हेलो, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का टॉपिक हिस्ट्री इज ए साइंस और आर्ट्स, इसके पार्ट टू के अंतर्गत हिस्ट्री इज ए आर्ट, इस विषय पर हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री इज ए साइंस और इसके बारे में हमने पूरी तरह से उसको समझाने का प्रयास किया था। तो इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप में जो विश्वास रखने वाले इतिहासकार हैं, उन्होंने विषय के साहित्यिक स्वरूप पर कठोर प्रहार किया था और 1939 में हिस्टोरिकल एसोसिएशन के समक्ष भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, क्रॉफोर्ड और बाल कैरीज ने, कि अपने युग के अनेक इतिहासकारों को भय है कि इतिहास में गद्य शैली के प्रति विशेष रुचि अथवा इसे विशेष रोचक बनाने के प्रयास में इतिहासकार अपने लक्ष्य से दूर न हो जाएं। और संक्षिप्त में, इतिहास स्वयं में एक सुंदर चित्र है जिसकी शोभा किसी आकार में मढ़कर नहीं बनाई जा सकती, अथवा ये एक बहुमूल्य रत्न है जिसकी सुंदरता की अभिवृद्धि आभूषण में जटित कर नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इस प्रकार वैज्ञानिक अवधारणा से प्रेरित एवं प्रभावित होकर कई लोगों ने इतिहास को रोचक और आकर्षक शैली से वंचित करने पर जोर दिया था। ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं में अनेक ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया गया है जिसमें साहित्यिक तथा रोचक शैली के प्रति विशेष स्थान नहीं है। यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकारों की कृतियों में आकर्षक गद्य शैली का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। इतिहास को कला अथवा साहित्य की शाखा स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, इस संबंध में भी परस्पर दो विरोधी अवधारणा है जिसका विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है। एक मत जो इतिहास कला नहीं है उसके प्रबल समर्थक हैं। तो इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाले जिनके प्रबल समर्थक हैं जे बी ब्यूरी, उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि जब तक इतिहास को कला माना जाएगा तब तक इसमें सत्यता और यथार्थता का प्रतिस्थापन कठिन होगा। और प्रोफेसर ब्यूरी ने इतिहास की साहित्यिक स्वरूप को उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ये उसके वैज्ञानिक स्वरूप में बाधक है। इससे जोरदार शब्दों में उन्होंने कहा कि अब उपयुक्त समय आ गया है कि इतिहास को साहित्यिक शैली से वंचित किया जाए और व्यक्तिगत भावनाओं के प्रभाव से मुक्त किया जाए। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक आंदोलन चला और जर्मनी के विद्वानों ने इसका नेतृत्व किया था और इंग्लैंड में भी इस आंदोलन का नेतृत्व जे बी ब्यूरी ने किया था। तो इतिहास लेखन पर इसका व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक युग के अधिकांश इतिहासकारों की रचनाओं में रोचक अथवा साहित्यिक शैली का अभाव परिलक्षित होता है। टेम्परले के इतिहास लेखन व शैली में सर्वत्र रोचकता का अभाव इसीलिए दिखाई देता है। फिर भी पीटर हाउस के मास्टर एक सुसंस्कृत व्यक्ति थे, वे इस बात से पूर्णतया से अवगत थे कि वे क्या कर रहे हैं। जी एन क्लार्क ने भी रचनाओं को साहित्यिक शैली से रोचक और आकर्षक बनाने का प्रयास नहीं किया। साहित्यिक शैली को इतिहास लेखन में प्रधानता देने वाले जी एम ट्रेवलियन को इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं स्वीकार किया गया था। उनकी रोचक और आकर्षक साहित्यिक शैली को देखकर उनका इतिहास संबंधी ज्ञान आज भी प्रश्नवाचक बन गया है। क्रोचे के अनुसार इतिहासकार का कार्य कहानी का प्रस्तुतिकरण मात्र है, इसमें कला की आवश्यकता का विशेष महत्व नहीं है। अनुसंधान इतिहास का मूल तत्व है। कला को प्राथमिकता देने वाले इतिहासकार मोटले को इतिहासकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ट्रेवलिन ने इतिहासकारों के विषय में लिखा है कि मेकाले
तथा कार्लाइल स्वयं अच्छे और सफल इतिहासकार होते यदि उन्हें इतिहास विषय की शिक्षा अध्ययन के सभी स्तरों पर प्राप्त होती। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध की अपेक्षा पूर्वार्ध में इतिहास की जो शिक्षा प्राप्त की वह वैज्ञानिक विचारधारा से सर्वथा अप्रभावित थी। निसंदेह इतिहास को वैज्ञानिक स्तर प्रदान करने का प्रयास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। यदि वैज्ञानिक अनुशासन के परिवेश में उन्हें रोचक और आकर्षक शैली में इतिहास लिखने का अवसर मिला होता तो निश्चय ही वह भी इतिहास के सर्वाधिक लोकप्रिय इतिहासकार होते। तो इतिहास को कला स्वीकार करने का तात्पर्य यथार्थता की उपेक्षा करके उसे व्यक्तित्व भावनाओं और साहित्यिक शैली से परिष्कृत करना है। यथार्थता के अभाव में इतिहास निश्चित रूप से अपना अस्तित्व खोकर कल्पना और भाव प्रधान साहित्य बन जाएगा। वैज्ञानिक इतिहासकारों ने इतिहास के कलात्मक स्वरूप पर तीव्र प्रहार करते हुए उसे कला स्वीकार नहीं किया है। और क्रोचे ने भी इतिहास को कला स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला, ये इतिहास विवेचना की विषय वस्तु नहीं है। अतः इतिहासकार को इसे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छोड़ देना चाहिए। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं के आधार पर ऐतिहासिक व्यक्ति तथा घटनाओं का समसामयिक सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप अतीत का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना चाहिए। उसका कार्य किसी अभियंता की भांति कार्य योजना मानचित्र प्रस्तुत करना, किसी प्रशासकीय सचिव के रूप में शोध तथा अन्वेषण संबंधी परिणामों का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अनावश्यक शब्दावली तथा यथार्थता को अतिरंजित करने के प्रयास का स्पष्ट तथा यथार्थ चित्रण अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। ब्लॉक की आलोचना का भी मुख्य कारण यह है कि उन्होंने अनावश्यक शब्दावलियों द्वारा अपने वाक्य को दुरूह बनाने का प्रयास किया। तो इतिहास का सार्थत्व शोध होता है, इस तरह से इन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाए। यद्यपि इतिहास विज्ञान नहीं है परंतु यथार्थता के परिवेश में इसका स्वरूप वैज्ञानिक होना चाहिए। इतिहास में अतीत संबंधी स्पष्ट और यथार्थ ज्ञान वैज्ञानिक विधा द्वारा ही संभव है। इतिहास गतिशील है, इतिहास की गतिशीलता में एक प्रक्रिया अंतर्निहित है। तो उपरोक्त तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास को कला अथवा साहित्य के आवरण से मुक्त रखना चाहिए। यही कारण है कि जीएम ट्रेवलियन, मोटले, मिकाले आदि ने, गिबन आदि ने रोमांटिक युग के महान इतिहासकारों के इतिहास संबंधी ज्ञान को चुनौती दी है। यही नहीं, उन्होंने उन्हें इतिहासकारों की श्रेणी में भी सम्मानजनक स्थान नहीं दिया है। आधुनिक इतिहासकारों की इस प्रकार की अवधारणा भ्रांतिमूलक है और इसमें कॉलिंगवुड ने उचित ही कहा है कि किसी भी महान व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय इतिहासकार को स्वयं उस परिस्थिति में रखकर उसकी उपलब्धियों और कार्यों की विवेचना और मूल्यांकन करना चाहिए। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी का भी मत है कि औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करना, जजिया कर पुनः लगाना, सिखों और सतनामियों के विद्रोह को बर्बरतापूर्वक उनका दमन करना तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता थी। औरंगजेब की परिस्थितियों की अज्ञानता के परिणाम स्वरूप आधुनिक इतिहासकारों ने सांप्रदायिक भावावेश में उसकी आलोचना की है। उसे इतिहास का न्याय कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों के परिवेश में उसकी आलोचना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती। वह युग दृष्टा होता है, उसे भविष्य दृष्टा समझना एक महान भूल होगी। साहित्यकार की भांति इतिहासकार समसामयिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य अंधकार में रहता है। अतः अंधकार में भविष्य की कल्पना की अपेक्षा उससे नहीं
करनी चाहिए। तो इतिहास कला साहित्यिक शाखा है, इस संबंध में विचारों को हम देखेंगे। वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत होने के बावजूद अधिकांश इतिहासकारों की अवधारणा है कि इतिहास कला है, और इसमें आई ए रिचर्ड्स, जिन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में लिखा है कि कला संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इतिहास की अतीत के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति का कलात्मक प्रस्तुतिकरण इतना रोचक और आकर्षक होता है कि लीडेन प्रोफेसर बुशमेकर ने स्पष्ट कहा है कि इतिहास मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अनातोले फ्रांस का एक प्रख्यात साहित्यकार और महान कवि और कुशल आलोचक और कला के अद्वितीय प्रेमी थे। उन्हें अतीत की परंपरा और अपनी मातृभूमि से लगाव था, इतिहास उनका रोचक विषय था। तो रेनियर ने उनके विषय में लिखा है कि उनकी शैली काव्यात्मक है। अनातोले फ्रांस का भी मत है कि इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है, कल्पना के माध्यम से ही उसको सफल बनाना संभव है। उन्होंने साक्ष्यों पर विश्वास अपनी रुचि और भावना के आधार पर किया है, और 1903 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें समाजवादी स्वप्न लोकीय विचार, ऐतिहासिक गवेषणा की विधाएं, इतिहास दर्शन पर विस्तृत प्रकाश डालने का सराहनीय प्रयास किया है। मानव संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति काव्य और इतिहास द्वारा संभव है। दार्शनिक इतिहासकार क्रोचे ने कला के स्वरूप और उद्देश्य का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनके अनुसार कला न तो आनंद के आदान प्रदान का साधन है और न ही प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, बल्कि व्यक्तिगत अंतर्ज्ञानात्मक दृष्टि की अभिव्यक्ति है। कलाकार के इस विशिष्ट प्रस्तुतिकरण को सभी लोग उसी रूप में देखते हैं। कला इस प्रकार भावनाओं की प्रक्रिया नहीं है, अपितु कलाकार के ज्ञान की अभिव्यक्ति है। तो क्रोचे के अनुसार इतिहासकार का पुनित कर्तव्य अतीतकालिक तथ्यों का कलात्मक एवं साहित्यिक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो कला भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र ही नहीं है, बल्कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से उसका ज्ञान व्यक्तिगत और विशिष्ट है। एक वैज्ञानिक प्राकृतिक तथ्य का अवलोकन करता है, इतिहासकार एक कलाकार के रूप में अनुभव करता है। इतिहासकार और कलाकार में यही सामंजस्य है। इतिहास एक अत्यंत लोकप्रिय कला है, समानता के साथ साथ दोनों में अंतर भी है। कला में संभावनाओं का वर्णन होता है, इसके विपरीत इतिहास में यथार्थता का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इतिहास कला है। कार्ल पियर्सन के अनुसार कलात्मक शैली को भी विज्ञान का भिन्न अंग स्वीकार किया गया है, क्योंकि कला से ज्ञान को दक्षता प्रदान की जाती है। कला ही अभिव्यक्ति का प्रेरणा सूत्र है। इतिहास लेखन को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करने के बावजूद उसके प्रस्तुतिकरण व्याख्या में कलात्मक शैली की नितांत आवश्यकता होती है। लेखक मनुष्य और इतिहासकार के रूप में अपनी शैली में अतीत का कल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है, और इसीलिए मैकाले, गिबन और ट्रेवलियन की शैली का अनुकरण नहीं कर सकता, उसे न ही करना चाहिए। जो कुछ भी वो लिखता है वह दूसरों के पढ़ने के लिए होता है। जिस प्रकार प्रत्येक युग में इतिहास लेखन समसामयिक दृष्टिकोण से किया जाता है, उसी प्रकार इतिहासकार के लेखन में उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्णायक तत्व होता है। इसमें यथार्थता के साथ साथ विवरण संबंधी कुशलता, रोचकता, दृष्टांतों का चयन, चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। इस गंभीर अर्थ में इतिहास निश्चित रूप से कला है। यदि इतिहास को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करके अध्ययन किया जाए तो इतिहास नीरस और अत्यंत दुरूह बन जाएगा,
परिणाम स्वरूप इतिहास का अध्ययन कोई भी पसंद नहीं करेगा। ऐतिहासिक कल्पना के विषय में कॉलिंगवुड ने लिखा है कि इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन होता है। इतिहासकार एलिजाबेथ मार्लबोरो इजाबेला की नीति का अध्ययन करता है। इतिहास की उपयुक्त घटनाएं विलुप्त हैं, उन्हें न तो इतिहासकार देख सका और न ही कोई अन्य व्यक्ति। किसी युद्ध में बम विस्फोट गोलाबारी आदि की घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से दृश्य नहीं है, परंतु इतिहासकार इन सभी घटनाओं की अनुभूति अपने मस्तिष्क में करता है। घटना और मानवीय कार्यों की उपलब्धियों का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। उसकी इस परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण को ऐतिहासिक कल्पना कहते हैं। वह अपनी रोचक और साहित्यिक शैली से कल्पनात्मक वर्णन को आकर्षक बनाने का प्रयास करता है, और यही इतिहासकार की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह पाठक को अतीतकालीन समाज में परिभ्रमण कराकर उसके मस्तिष्क को कितना प्रभावित कर पाता है। यदि इतिहासकार में कलात्मक बोध का अभाव है तो वह अपने पाठक को सभी तथ्यों से अवगत कराने में असफल नहीं होगा। इसका यह परिणाम हो सकता है कि वह अपने अथक प्रयास के बावजूद पाठक के मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव न डाल सके। यदि इतिहासकार में कलात्मक प्रतिभा है तो वह पाठक को राजबैलों का अवलोकन कराने के पश्चात सामान्य जनसमूह के बीच परिभ्रमण कराकर व्यक्तियों के कार्यों और उसके मनोरंजनों के साधनों को भी दिखाने का प्रयास करेगा। जनसामान्य के रसोई घर तथा कॉफी हाउस में प्रवेश कर तत्कालीन समाज के सूक्ष्म दृश्यों का अवलोकन कराएगा। परिणाम स्वरूप पाठक राजमहल के विलास में और वैभवपूर्ण जीवन के साथ साथ जन सामान्य की झोपड़ियों और रसोई घर की दशा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। यही कारण है कि मेकाले जैसे इतिहासकारों ने अपनी रचना को अत्यधिक रोचक बनाने का प्रयास किया। जिस इतिहासकार में इतिहास लेखन की ये उत्कृष्ट कल्पना हो उसका इतिहास निश्चित रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय होगा, और मेकाले तथा कार्लाइल की लोकप्रियता का यही रहस्य है। इस प्रकार इतिहास के अंतरस्थल की अभ्यर्थना परिकल्पनात्मक होती है, ये सत्य है, परंतु इतिहासकार कल्पना और कवि की कल्पना में अंतर है। कवि की कल्पना असीमित है, वह क्षण भर में विश्व और अंतरिक्ष का भ्रमण कर सकता है। स्वर्ग का सुख और नरक का दुख यथार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि उसका वास्तविक अनुभव किसी ने नहीं किया है, बल्कि ये कोरी कल्पना है। यथार्थता इतिहासकार की कसौटी है। इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों को काव्यात्मक शैली के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उसकी रचना यथार्थ प्रधान होती है, कल्पना प्रधान नहीं। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी भगवती चरण वर्मा की रचना चित्रलेखा का आधार ऐतिहासिक है, परंतु उसकी रचनाएं कल्पना प्रधान है। उनमें यथार्थता का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। एक इतिहासकार काव्यात्मक शैली के माध्यम से यथार्थता का चित्रण कल्पना के परिवेश में करता है ताकि पाठक उस काल के सजीव दृश्य का दिग्दर्शन कर सके। यही कवि और इतिहासकार में अंतर है। एल्टन के अनुसार परिकल्पना का आधार इतिहासकार का ऐतिहासिक सामग्री के बीच अनवरत परिसंवाद होता है। इतिहासकार समय स्थान की परिधि में बंधा है। यदि कोई इतिहासकार अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी का अध्ययन कर रहा है तो उससे समय और स्थान का ध्यान रखना होगा। वह फतेहपुर सीकरी का वर्णन करते हुए लखनऊ काशी या प्रयाग का वर्णन नहीं कर सकता। इतिहासकार कल्पनात्मक शैली का प्रयोग ऐतिहासिक तथ्यों की क्रमबद्धता तथा अतीत के पुनर्निर्माण के लिए करता है। इतिहासकार की यही अनिवार्यता और बाध्यता है, और कवि अपनी रचना को प्रभावी बनाने के लिए इस बाध्यता से मुक्त है। फ्रायड ने भी कल्पना के विषय में लिखा है कि अतीत हम तक पहुंच नहीं सकता, परंतु हमारी कल्पना उसमें प्रवेश कर सकती है। रेनियर के अनुसार इतिहास प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसमें सौंदर्य ही नहीं अपितु मार्मिक तत्व भी है।
क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ये जीवन प्रेम की अभिव्यक्ति है। इतिहासकार तथ्यों के संकलन तथा विश्लेषण के पश्चात अतीत का चित्रण समाज के समक्ष सुव्यवस्थित भाषा में साहित्यिक और कल्पनात्मक शैली के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। कथा वस्तु के प्रस्तुतिकरण में वह अपनी बौद्धिक कुशलता का प्रयोग करता है, उसे सामाजिक आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ता है और सामाजिक रुचि का प्रभाव उसके लेखन पर पड़ता है। ये सुस्पष्ट भाषा, शुद्ध व्याकरण, सरल वाक्यों का प्रयोग करता है। तथ्यों का पुनर्निर्माण स्पष्ट और ग्राह्य होना चाहिए। भाषा की शुद्धता तथा ऐतिहासिक तथ्यों की यथार्थता ही इतिहास की कसौटी है। अनावश्यक तथ्यों का समावेश इतिहास को अरुचिकर बना देता है। तो इतिहासकार में कुशल कलाकार की भांति चयन परित्याग कला का गुण परमावश्यक है। इस प्रकार एक्टन का विश्वास अपनी रचना में अधिकाधिक तथ्यों के समावेश में था। प्रोफेसर डॉलीजर ने सुझाव दिया कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही अपना रचना कार्य समाप्त करना चाहिए इतिहासकार को, और इसी तरह से आगे भी कई विचारकों ने सुझाव दिया कि चयन और परित्याग प्रक्रिया विशुद्ध रूप से तार्किक प्रक्रिया नहीं है। इतिहासकार जब चयन परित्याग प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह स्वयं में अपने आप को साहित्यिक जगत में पाता है। वह कलाकार की भांति अतीत के तथ्यों के आधार पर साहित्यिक शैली का प्रस्तुतिकरण करता है। इस कारण ने इस अवधारणा की यद्यपि कटु आलोचना की है, यदि इतिहासकार एक कलाकार की भांति चयन करने का गुण नहीं है तो सफल इतिहासकार नहीं हो सकता है। कलाकार की विशेषता है कि वह अनावश्यक तथ्यों का परित्याग करता है और आवश्यक तथ्यों को यथोचित स्थान देता है। इतिहासकार में भी ऐसे गुण होने चाहिए। अतः इतिहासकार को आवश्यक तथ्यों का समावेश क्रमबद्धता के आधार पर करना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य प्राय नीरस और निर्जीव होते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सारनाथ के भग्नावशेष, शिलालेख, अभिलेख, मुद्राएं, खंडित मूर्तियां, ईंट पत्थर के टुकड़ों को की निरसता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु इतिहासकार अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति से निर्जीव ऐतिहासिक तथ्यों को सजीव एवं रोचक बनाकर पाठक के हृदय में अतीत के अध्ययन के प्रति अद्भुत रुचि का सरल सृजन करता है। अनेक तथ्यों का समावेश उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। अनेक नीरस और निर्जीव तथ्यों का यथावत प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय इतिहास को नीरस और निर्जीव बनाना होगा। ऐसी दशा में इतिहास अत्यंत दुरु और नीरस बन जाएगा और उसे कोई पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। तो ट्रेवलिन ने स्पष्ट लिखा है कि निर्जीव इतिहास, निर्जीव अतीत को सरल, रोचक और काव्यात्मक बनाने के लिए इतिहासकार को मेकाले की रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उनके अनुसार इतिहास लेखन की योजना बनाते समय यह निश्चित करना चाहिए कि किस प्रकार रोचक ढंग से एक विषय से दूसरे विषय तथा एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में पाठक को प्रवेश कराना चाहिए। साहित्यिक विधियों से युक्त मेकाले की रचनाएँ अद्वितीय हैं, अतः वर्णनात्मक इतिहास लेखन वाले इतिहासकारों को मेकाले की रचनाओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अपनी साहित्यिक और कलात्मक रोचक शैली के कारण आज मेकाले को सफल इतिहासकारों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त है। यद्यपि गिबन अपने अथक प्रयासों के बावजूद मेकाले जैसा सम्मान प्राप्त नहीं कर सके और न ही विद्वत समाज को आकर्षित करने में सफल हो सके। तो ऐतिहासिक परिकल्पना के विषय में कॉलिंगवुड का भी मत है, इतिहास अतीतकालिक मानवीय कार्यों और विचारों का अध्ययन है। इतिहास में हम अतीत की घटनाओं को पढ़ते हैं यदि और उससे संबंधित अतीतकालिक घटनाओं को न तो इतिहासकार स्वयं देख सकता है और न ही समसामयिक समाज को दिखा सकता है, तो
तो भारतीय इतिहास में यदि गुप्तकालीन स्वर्णयुग और शाहजहाँकालीन स्वर्णयुग का सजीव चित्र अपनी लेखनी द्वारा साहित्यिक और काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करके वर्तमान कालिक मनुष्यों के हृदय में गौरवपूर्ण अतीत के प्रति प्रेम जागृत करने में जो अद्भुत सफलता प्राप्त की है वो इतिहासकार की लेखन शैली ही होती है। इतिहासकार अतीत की उपलब्धियों का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, परंतु उस गौरवपूर्ण अतीत का एक काल्पनिक चित्र बनाकर अपनी लेखनी द्वारा समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। अतः इस संबंध में दार्शनिक कांत की अवधारणा इतिहास संबंधी अवधारणा ऐतिहासिक यथार्थता की पुष्टि करती है। उनके अनुसार सत्य रहित इतिहास जीवन रहित शरीर है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य इतिहास को आख्यानों से निकालकर उसे यथार्थता की आधारशिला पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। इतिहास के सभी भाग पूर्णतः यथार्थ नहीं हो सकते। प्राचीन इतिहास में वर्णित अनेक अप्रत्यक्ष उद्देश्यों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास की इन श्रृंखलाओं को इतिहासकार अपनी कल्पनाओं से सुसज्जित करने का सराहनीय प्रयास करता है। इस प्रकार इतिहास यथार्थता और शैली का एक सुंदर सामंजस्य है।